अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटाबेस के एडवांस कोर्स में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डेटाबेस में कौन से प्रोफेशनल कैरियर्स हैं जिनको जिनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे कि कौन सी न्यू टेक्नोलॉजीज हैं जो इमर्ज हो रही हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम सब लोगों ने डेटाबेस को चूज़ किया था, ठीक है, डेटाबेस एज सब्जेक्ट चूज़ किया था कि हम चाहते थे कि हम डेटाबेस के बारे में बहुत अमेजिंग किस्म की जो दुनिया है या जो कुछ अमेजिंग किस्म के सारा कुछ इसका सेटअप है या जो कुछ चल रहा है, ठीक है, डेटाबेस जिस तरीके से काम करती है ये एक बताते खुद एक बड़ा अमेजिंग किस्म का सब्जेक्ट है। डेटा को हम मैनिपुलेट वगैरह करते हैं तो वो बहुत मज़ा आता है। तो उसके साथ साथ हम चाहते थे कि हम डेटाबेस के थ्रू अपना एक रोज़गार कमाएँ या उसको अपना एक करियर बनाएँ, अडॉप्ट करें, जिसकी मदद से हम कुछ पैसे कमाएँ। ठीक है, क्योंकि हमने एक करियर तो चूज़ करना ही करना होता है, तो हम चाहते थे कि डेटाबेसिस चूँकि हमारा एक पैशन है तो उसके साथ अगर हमें इसमें रोज़गार मिल जाए तो हम चाहते हैं कि ना सिर्फ हमारा ये अभी या जो हमारा पैशन है ये भी कंटिन्यू रहेगा बल्कि हमारा करियर रहेगा। तो चूँकि हम लोग देख चुके हैं डेटाबेसिस एक बहुत डाइवर्स फील्ड है, एक छोटी फील्ड नहीं है, तो एक शख्स डेटाबेस के तमाम काम नहीं कर सकता, यानी तमाम खाली जगह को पूरी नहीं फिल नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम डेटाबेस का जो काम कर रहे हैं या जो कुछ जो चीज़ें इंटरेस्ट में एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो उसके लिए कौन सी करियर टाइप सूट करती है। यानी मैं यही कहूँगा जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नाम, यानी तमाम कामों का तमाम काम आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक काम में आपको मास्टर होना चाहिए। तो इसके लिए हम करियर्स को देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा करियर टाइप आती है वो आती है डेटाबेस डेवलपर। ठीक है, ये इस तरह करता है कि डेटाबेस एप्लीकेशन बनाता है, डेटाबेस डेवलपर, उसके लिए उसको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, डेटाबेस के फंडामेंटल और एसक्यूएल या सीक्यूएल जिसको आप कहते हैं। उसके बाद आ जाता है डेटाबेस डिज़ाइनर। डेटाबेस डिज़ाइनर इस तरह करता है कि डेटाबेस को डिज़ाइन और मेनटेन करता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें कौन कौन सी स्किल्स चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए सिस्टम डिज़ाइन, डेटाबेस डिज़ाइन और एसक्यूएल। उसके बाद आ जाते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि अमूमन सबसे जो चार्मिंग जॉब है डेटाबेस में वो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। तो इसका काम होता है डेटाबेस को डिज़ाइन और मैनेज करना और मेंटेन करना। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को भी और डेटाबेस को भी। ठीक है, तो इसके लिए कौन कौन सी स्किल्स चाहिए? इसके लिए डेटाबेस के फंडामेंटल्स आने चाहिए, एसक्यूएल की स्किल्स होनी चाहिए और वेंडर हम यूज़ करें उसके कोर्सेज होने चाहिए। उसके बाद डेटाबेस एनालिस्ट है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि डिसीजन सपोर्ट्स रिपोर्टिंग के लिए डेटाबेस डेवलप करना। ठीक है, तो डेटाबेस एनालिस्ट अमूमन जो एक किस्म का हमारा जो डैशबोर्ड का काम होता है वो करते हैं, यानी वो एक किस्म की रिपोर्टिंग फीचर्स करते हैं। इनका काम होता है एसक्यूएल, इनको इसके लिए एसक्यूएल आनी चाहिए, क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन आनी चाहिए और डेटा वेयरहाउसेज आने चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं डेटाबेस आर्किटेक्ट। ठीक है, इनका काम होता है डेटाबेस के एनवायरनमेंट को डिज़ाइन और इंप्लीमेंट करना। डेटाबेस का एनवायरनमेंट कंसेप्चुअल हो सकता है, लॉजिकल भी हो सकता है और फिजिकल भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें कौन कौन सी स्किल्स चाहिए? तो इसके लिए हमें स्किल्स चाहिए डेटाबेस के फंडामेंटल्स चाहिए हमें, कि डेटाबेस डेटा मॉडलिंग जो कि अगला हमारा टॉपिक है, उसके बाद एसक्यूएल है और हार्डवेयर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं डेटाबेस कंसल्टेंट। ठीक है, तो डेटाबेस कंसल्टेंट इस तरह करते हैं कि कंपनीज को डेटाबेस की सजेशन देते हैं या डेटाबेस की तरफ अडॉप्ट करने में मदद करते हैं या कंसल्ट करते हैं या उनको इस तरह करते हैं लॉबिंग करते हैं, जिसकी मदद से वो उनके बिजनेस प्रोसेसेस इंप्रूव होते हैं और वो अच्छी स्पेसिफिक गोल्स करते हैं। यानी ये एक किस्म का डेटाबेस की तरफ कंपनीज को लेकर जाते हैं। इसके लिए स्किल्स चाहिए डेटाबेस फंडामेंटल्स चाहिए, डेटा मॉडलिंग, डेटाबेस डिज़ाइन, एसक्यूएल, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हार्डवेयर का नॉलेज होना चाहिए और उसके अलावा वेंडर स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी समय पता होनी चाहिए। उसके बाद एक करियर टाइप है वो है डेटाबेस सिक्योरिटी ऑफिसर। इसका काम होता है कि डेटा की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो सिक्योरिटी पॉलिसीज है उनको इम्प्लीमेंट कराना। इसके लिए डेटाबेस के फंडामेंटल्स पता होना चाहिए, डेटाबेस के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में स्किल्स होनी चाहिए, उसके अलावा एसक्यूएल की स्किल होनी चाहिए, डेटा सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी जो है वो सारी पता होनी चाहिए। इसके अलावा होता है क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा आर्किटेक्ट। ठीक है, इनके काम होता है कि ये इस तरह करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह करते हैं नेक्स्ट जनरेशन जो क्लाउड डेटाबेस हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके लिए इन्हें पता होना चाहिए इंटरनेट टेक्नोलॉजी, क्लाउड स्टोरेज टेक्नोलॉजी, डेटा सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग और लार्ज डेटाबेस वगैरह वगैरह।
उसके अलावा जो आजकल बहुत ज़्यादा इन है वो है डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट का काम होता है वो इस बड़े पैमाने पर जो डेटा है उसको एनालाइज करते हैं और उनकी मदद से इंसाइट्स करते हैं, उनके रिलेशनशिप जनरेट करते हैं और उनका जो बिहेवियर है उसको प्रिडिक्ट करते हैं। तो इसके लिए स्किल्स चाहिए होती हैं, डेटा एनालिसिस, स्टेटिस्टिक्स आनी चाहिए, एडवांस मैथमेटिक्स होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, उसके अलावा स्किल होनी चाहिए प्रोग्रामिंग की, होनी चाहिए डेटा माइनिंग की, स्किल्स होनी चाहिए मशीन लर्निंग और डेटा विजुअलाइजेशन की भी स्किल्स होनी चाहिए। तो ये तो बात थी हमारे कैरियर्स की, कैरियर किस तरह है। तो हमें कुछ, चूंकि डेटा बेस कैरियर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें कुछ इस तरह होना चाहिए कि कुछ नई टेक्नोलॉजीज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जो डेटा बेस टेक्नोलॉजीज हैं वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही हैं, जिनकी मदद से हम नए चैलेंजेस को एड्रेस कर रहे हैं, जिसमें लार्ज डेटा बेसिस हो गई हैं, सेमी या अनसेमी से स्ट्रक्चर डेटा हो गया, प्रोसेसिंग, और उसमें हो सकता है जी उसके साथ साथ डेटा बेस टेक्नोलॉजी इस तरह कर रही हैं कि प्रोसेसिंग स्पीड को इंक्रीज़ कर रही हैं और जो कॉस्ट है उसको डिक्रीज़ कर रही हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी से इवॉल्व हो रही हैं या बहुत जल्दी से चेंज हो रही हैं, ठीक है, तो उसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि जो हमारे फंडामेंटल कंसेप्ट हैं डेटा बेसिस के वो चेंज हो रहे हैं, बल्कि वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो जैसे कि हम सारे IT के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो उस हमें चाहिए कि हम इस तरह करें कि सबसे पहले हमें ट्रेडिशनल OLTP यानी और OLAP सिस्टम के बारे में हमें पता होना चाहिए। उसके अलावा हमें जो नई आने वाली टेक्नोलॉजीज हैं जिनको हम कटिंग एज टेक्नोलॉजीज कहते हैं, ठीक है, उनके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। कटिंग एज टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हैं इनके बारे में तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो हमें कटिंग एज टेक्नोलॉजीज पता होनी चाहिए जिनको हम इम्प्लीमेंट यूज़ करके हम इस तरह कर सकते हैं कि नई नए जो डेटाबेस के नए रुझानात हैं उनको अडॉप्ट कर सकते हैं। ये क्योंकि कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं तो ये थोड़ी बहुत कम्प्लेक्स भी होती हैं। तो सबसे पहले आती है वेरी लार्ज डेटाबेसेस यानी VLDB, जिसका अमूमन यूज़ करते हैं। तो ये अमूमन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है, जो कि अमूमन पेटाबाइट्स में होता है। पेटाबाइट्स तकरीबन 1000 TB से ऊपर के होते हैं, तो इस इतने बड़े फ्रीक्वेंट वॉल्यूम के जो डेटाबेसेस हैं उसके लिए ये यूज़ होती हैं। तो बहुत सारे वेंडर्स जो बड़ी इतने बड़े डेटा के लिए इस तरह कर रहे हैं कि डेटाबेसेस की सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए वेरी लार्ज डेटाबेसेस यानी VLDBs के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। जो लार्ज जो हमारे वेंडर्स हैं वो VLDB की तरफ लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो वेरी लार्ज डेटाबेसेस के वेंडर्स कौन से हैं? ओरेकल का एक्सा डेटा है, IBM का नेटिजा है, HP का वर्टिका है और टेरा डेटा है, ठीक है। और इस तरह के जो पहले की हमारी बिग डेटाबेसेस थी उसको भी, जो वेरी लार्ज डेटाबेसेस हैं वो बिग डेटाबेसेस को भी सुपरसीड कर रही हैं या उनको भी ओवरटेक कर रही हैं। तो अब हमें मालूम होना चाहिए कि बिग डेटाबेसेस कौन सी होती हैं। बड़ी बड़ी प्रोडक्ट जैसे कि फेसबुक कसेंड्रा यूज़ कर रही है, गूगल बिग टेबल यूज़ कर रही है, तो ये कॉलम बेस्ड टेक्नोलॉजीज थी, ठीक है, जिनकी मदद से इस तरह का हो रहा था कि डेटाबेस एप्लीकेशन की ज़रूरियात को पूरा किया जा सकता था, जो कि बड़े पैमाने पर नॉन टेबुलर डेटा को यूज़ कर रही थी। तो ये आजकल वेरी लार्ज डेटाबेस से रिप्लेस हो रही है। उसके अलावा जो तीसरा कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जो हमें मालूम होनी चाहिए वो होनी चाहिए इन मेमोरी डेटाबेस। बहुत सारे जो हमारे डेटाबेस के वेंडर्स हैं वो इस तरह कर रहे हैं, इन मेमोरी डेटाबेस को भी ऑफर कर रहे हैं, जो कि इस तरह करती हैं कि डेटाबेसेस की फास्टर प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। तो इस तरह होता है कि जो इन मेमोरी डेटाबेसेस हैं वो अमूमन इस तरह करती हैं कि जो उनका प्राइमरी डेटाबेस होती है, यूजली वो इस तरह होती है कि प्राइमरी मेमोरी के अंदर स्टोर होती है, यानी हार्ड ड्राइव की बजाय या सेकेंडरी ड्राइव के स्टोरेज की बजाय वो प्राइमरी मेमोरी यानी रैम के अंदर स्टोर होती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी आ जाती हैं जी IBM की सॉलिड डेटाबेसेस आ जाती हैं और ओरेकल की टाइमस्टैम्प डेटाबेसेस हैं। इसके अलावा हमारी जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो है क्लाउड डेटाबेसेस। तो आजकल जैसा कि क्लाउड का बहुत ज़्यादा रुझान है तो बहुत सारी कंपनीज इस तरह कर रही हैं कि क्लाउड डेटाबेसेस का अपने एनवायरनमेंट में ऐड कर रही हैं, ठीक है, और इसकी मदद से उन्हें जो डेटाबेस का हार्डवेयर है उसकी कॉस्ट भी इतनी बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती, ठीक है, और लोकल डेटाबेस की तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं वो
क्लाउड डेटाबेसेस जो वेंडर्स हैं वो अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ इसका फ़ायदा ये है कि आपको एक जगह बैठ के काम नहीं करना पड़ता, बल्कि आप इंटरनेट की मदद से इस तरह कर सकते हैं कि काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बाय नहीं करना पड़ता, बल्कि आप इंटरनेट के थ्रू क्लाउड के ऊपर काम करके कर सकते हैं। इसके बारे में हम एक पूरा एक सीरीज से इसके अंदर करेंगे, यानी इस कोर्स के अंदर हमें पूरी से बहुत सारे टॉपिक्स इस पर कवर करेंगे। तो मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि ये चंद चीज़ें जो थी ये तो हम एड्रेस करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि एक एक सिंगल कोर्स इस तरह कर सकता है कि डेटाबेस कितना बड़ा, जो डेटाबेस टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा एरा है या सल्तनत है उसको कवर नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमारा जो प्राइमरी फोकस होता है वो हमें डेटाबेस के फंडामेंटल्स को सीखना है, ठीक है। उसके अलावा हमें डेटाबेस डिज़ाइन की स्किल्स को डेवलप करना है, और इसके अलावा हमें एसक्यूएल स्किल्स को मास्टर करना है, ताकि हम इस तरह कर सकें कि अपना डेटाबेस प्रोफेशनल का जो कोर्स जो करियर है उसको फॉर्मली स्टार्ट कर सकें। लेकिन हमें शुरू में अपने टूल्स पता होने चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम इस तरह करेंगे डेटा मैनेजमेंट के टूल्स और उनके अप्रोचेस के ऊपर बात करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।